वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के आपके जो फर्स्ट फ्लाइट बुक के उसका जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसका आज हमने आपके लिए कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है। जी हाँ, इससे बनने वाले ज्यादातर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का हमने आपके लिए ये एक मैटर प्रिपेयर किया है। आज इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, बाकी ये 6 ही नहीं, ऐसे आपके लगभग 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि आप इस जो हमने आपके लिए कंटेंट लिखा है इससे होकर गुजर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, जो छोटा बच्चा सीगल था वो उड़ने से डरता था। ही थॉट डेट हिज लिटिल विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही वुड फॉल इन द वास्ट सी। उसने सोचा कि उसके छोटे पंख हैं वो उसकी मदद नहीं करेंगे और वो इतने बड़े समुद्र में गिर जाएगा। हिज टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे विद पेरेंट्स। उसके दो भाई और उसकी बहन पहले से उसके माता पिता के साथ उड़कर जा चुके थे। दे नेग्लेक्टेड हिम एज ही प्रिटेंडेड टू बी एस्लिप एंड हंग्री। उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया यानी नज़रअंदाज किया क्योंकि वो भूखे मरने का और नींद आने का नाटक कर रहा था। वेन द यंग सी गर्ल्स मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द पीस फूड मेडेड बाय हंगर ही डाइव एट द पीस। जब उस यंग सी गर्ल की माँ ने ट्रिक की यानी चालाकी से एक मछली का भोजन उसको बताया और भूख से वो पागल था और उस मछली पर वो डाइव लगा दी, छलांग लगा दी। दो ही फैल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू स्पेस, यद्यपि वो बाहर और ऊपर नीचे ऐसे आसमान में गिरा यानी कि स्पेस यानी ऊपर से शिला फलक से नीचे गिरा। बट हिज विंग्स हैड स्प्रेड, लेकिन उसके पंख फैल गए एंड ही वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, और वो आसमान में उड़ रहा था। दस द यंग सीगल हैड फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसकी पहली उड़ान ऐसे हुई। ये तो हो गया आपके कॉमन। अब आपसे ये पूछा जाए कि उसने कैसे पहली उड़ान ली थी, उसकी बड़ी थी। वॉट वॉज द डिफरेंस बिटवीन द यंग सी गर्ल एंड हिज टू ब्रदर्स एंड हर सिस्टर। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी यंग सी गर्ल और उसके दो भाई बहनों में क्या अंतर था। तो आपको ये मैंने लिख दिया कि उसके भाई और बहन क्या है, पहले उड़कर चले गए थे। अब आपको अगर केवल भाई और बहन का ही आ जाए तो आपको क्या करना है कि आप एक दो शब्द अपनी तरफ से लिख देंगे, ये तो मैटर रहेगा। लेकिन ये आने पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे द यंग सीगल तो हिज टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, अब यहाँ पर बढ़ा देना आप, वर मोर ब्रेव देन हिम, वो उससे ज़्यादा बहादुर थे, आप ऐसा लिख देंगे। यानी हमें क्या करना, एक दो बातें सिंपल सिंपल उस पर्टिकुलर आंसर के बारे में लिखनी है, बाकी ये पूरा वही रहेगा। यानी उसके दोनों भाई और बहन उससे ज्यादा बहादुर थे, ठीक है। दे डू नॉट अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से नहीं डरते थे। दे डू नॉट अफ्रेड, ये आपको सीधा सीधा लिख देना है, अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से नहीं डरते थे। ये उसके भाई बहन से रिलेटेड हो गया, बाकी वही रह जाएगा और ये चीज उसको दिख जाएगी एग्जामिनर को कि नहीं यार उसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दो तीन बातें आप ये लिख देना और फिर वर्ड लिमिटो वहां तक बढ़ा देना, ठीक है। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा, इसको इतना मत बड़ा करना फिर, और आप दो तीन बातें ये लिख के उसको क्लोज कर देना, यानी कि चार लाइन पांच लाइन ये हो जाएगी, एक दो लाइन आप लिख देंगे। यहां तक मत आना कि वो ऐसे गिरा वैसे गिरा इस प्रकार उसने उसकी उड़ान भरी, क्योंकि ये पूछ ही नहीं रहा, वो तो क्या पूछ रहा है, इन दोनों में अंतर, तो इसको ऊपर ही कंप्लीट कर दें आप, ठीक है। अब आगे बढ़े, एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सी गर्ल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द पीस फूड, यानी यंग सी गर्ल के पहली उड़ान के बारे में आप बताइए, जब उसकी माँ ने उसको ट्रिक किया यानी चालाकी की, तो फिर आपका पूरा आ जाएगा। आप यहां से भी लिख सकते हैं व्हेन द यंग सी गर्ल्स मदर, और ऊपर से भी लिख सकते हैं जैसी वर्ड लिमिट हो। नंबर 3, व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ हिज फैमिली ऑन द सी गर्ल सोरिंग सक्सेसफुली, जब सी गर्ल सफलतापूर्वक उड़ान भरी तो उसके परिवार वालों के क्या रिएक्शन था।
इसका सिंपल सा आंसर वेन द, वेन द आपको लिखना है, और ये रहा वेन द यंग सीगल, यहां से आपको लिखना है स्काई तक, ठीक है, और आपको लिखना है स्काई तक, ये तो यहां से आ जाएगा वेन द से लेकर स्काई तक। पूछ क्या रहा है, क्या रिएक्शन था, तो रिएक्शन में आपको ये जोड़ देना है हिज फादर एंड मदर प्रेज्ड हिम स्क्रीमिंग, यानी कि उसके माता पिता ने चीख कर उसका प्रशंसा की, हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लू अराउंड हिम, भाई बहन उसके चारों ओर कवटिंग बैंकिंग सोरिंग एंड डाइविंग, यानी अलग अलग तरीके से उड़ान भरने लगे। नंबर फोर, हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स टू फ्लाई, किस प्रकार उसे मजबूर किया गया कि वो उड़ सके, तो पूरा लिख देना द साइट ऑफ फूड मेडेंड हिम, भोजन देख कर वो पागल हो गया, व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये क्या चीज, ये हमें क्या बताता है, आरबीसी 2022 सीबीएसई 2020 में आया हुआ है तो पूरा आ जाएगा, दे वर बैकनिंग हिम कॉलिंग श्रीली, व्हाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कजोल हिम टू फ्लाई, वो उसको बैकनिंग कर रहे थे यानी तीक्ष्णता से पुकार रहे थे, सीगल के माता पिता उसको क्यों धमका रहे थे और उसको उड़ने के लिए भी क्यों प्रेरित कर रहे थे, तो इन दोनों का भी आंसर यही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तो छह हमने यहाँ लिखे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं आपसे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी पूछा जा सकता है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, इससे आप क्या शिक्षा लेते हैं, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, यानी वी शुड नॉट अफ्रेड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, यानी हमें कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य है जो करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, वी शुड बी ब्रेव, हमें बहादुर बनना चाहिए, वी शुड बी करेजस, हमें क्या बनना चाहिए, करेजस बनना चाहिए, यानी साहसी बनना चाहिए, ऐसे आप लिखें, और ये शिक्षा हमें यही देती हैं कि आखिरकार वो उड़ना सीख गया। कुल मिलाकर सो बात एक बात ये है, वंस वी डिसाइड व्हाट टू डू देन वी कैन डू इट, अगर एक बार हम डिसाइड कर लें में क्या करना है तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, यानी कि विल पावर चाहिए, ठीक है, ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं तो आपको इसकी इसका क्या शिक्षा मिलती है वो भी लिखकर आ सकते हैं। तो ये कॉमन मैटर आप लोगों के लिए बनाया है, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।